में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके WhatsApp पे कॉल आ रहा है और डिस्प्ले पे शो नहीं कर रहा है तो इसका हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। जैसे आप इस तरह से आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएंगे तो इस तरीके से स्क्रॉल करना है। तो आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको चले जाना है यहाँ पे ऐप्स पे। ऐप्स पे जब जाएंगे आप तो आपको जाना है सेकंड नंबर में मिलेगा मैनेज ऐप्स। तो आपको मैनेज ऐप्स में क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज ऐप्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सअप। जैसे आप व्हाट्सअप पे सर्च करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐप परमिशन। तो आपको क्या करना है कि ऐप परमिशन पे जाना है और यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देंगी, जिनका परमिशन अलाउ है वो अलाउ दिखाएगा और जिनका परमिशन डीने है वो डीने यहाँ पे दिखाएगा। तो जो भी ऐप का परमिशन डिनाइड है उसको यहाँ से अलाउ कर देंगे इस तरीके से, और लोकेशन को अलाउ कर देंगे, माइक्रोफोन को अलाउ कर देंगे, फ़ोन को अलाउ कर देंगे, इस तरीके से आप सभी को अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, और इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखता है रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेस। तो इन दोनों को अनचेक करके चेक कर देना है और क्लियर डाटा पे जाके क्लियर कैच कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे इसके बाद आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल आएगा तो वो कॉल आपके स्क्रीन पे शो करेगा, दिखाई देगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं एक दो कॉल करके कि वो कॉल शो कर रहा है या नहीं, दिखाई दे रहा है या नहीं। इस तरीके से आप अपने मोबाइल के इस इशू को सही कर सकते हैं। तो चलिए हम एक कॉल करके आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे इस स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो इसका यही सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।